हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या शिवा और रावी अपना फर्स्ट बेबी धरा और गोम्बी को देने वाले हैं, या फिर कुछ और ट्रैक के थ्रू, मतलब किसी और उपाय, किसी और सॉल्यूशन के थ्रू उन्हें बेबी देने वाले हैं, या फिर उन्हें खुश करने वाले हैं? आखिर क्या होने वाला है? सो वेलकम टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट, हमको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, बहुत सारी न्यूज आ रही है से रिलेटेड कि शिवा और रावी अपना फर्स्ट बेबी दे देंगे धारा और गोम्बी को, या फिर सरोगेसी के थ्रू उन्हें बेबी दे देंगे, उनका बेबी वो कैरी करेगी, और बहुत सारी चीजें बेबी से रिलेटेड और शिवा रावी और धारा को लिंक करके बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा? जैसा कि ये भी नहीं हुआ, जो हुआ है इसमें, ये ऐसा किसी तमिल वर्जन में भी या किसी वर्जन दूसरे वर्जन में भी इस टाइप का नहीं दिखाया गया था कि अबॉर्ट करना पड़े धारा को अपना बेबी। उसमें दूसरे वर्जन में भी रिशिता ही पहले प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद धारा प्रेग्नेंट हुई, रिशिता का पहले बेबी हुआ फिर धारा का बेबी हुआ, ऐसे हुआ था। तो ये हो सकता है कि जब इन्होंने शुरू किया था ये ट्रैक, तो हो सकता है कि इन लोगों ने सोचा हो कि इस टाइप का कुछ दिखाया जाएगा, दिखाएंगे हम, और हो सकता है कि इसके बाद अब रिशिता मतलब रिश्ता वाला ट्रैक शुरू हो कि रिशिता प्रेग्नेंट हो देन फिर धारा। बट ये अपना फर्स्ट बेबी देना, एंड ये भी हो सकता है क्योंकि हिंदी सीरियल्स में ये बहुत ही इस टाइप का ट्रैक दिखाया जाता है कि अपना पहला बेबी बच्चा, जब क्योंकि एक्चुअली शिवा धारा को बहुत 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 ज्यादा मानता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार वही करता है। सो हो सकता है कि इस वजह से वो धारा के लिए इतना करना चाहे और कोशिश करें उन लोग इस टाइप का कुछ करने का। हो सकता है मेकर्स भी ऐसा कुछ करें क्योंकि हिंदी सीरियल है तो ऑब्वियसली होता ही है, इसमें कुछ इस टाइप का अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो नॉर्मल लाइफ में डे टू मतलब इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और ऐसा अचानक से सडनली इस टाइप का हो जाता है क्योंकि ऐसा कुछ होगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा धारा को अपना बेबी और इस टाइप का ट्रैक लाया जाएगा, ये हमने नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि ठीक है कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बट फिर भी कॉम्प्लिकेशन के बाद भी बेबीज हो जाते हैं और नॉर्मल दिखाया जाता है, बट इन लोग दूसरे ट्राइब का एक ट्रैक मेजर ड्रामा इन लोग लेके आए जो एकदम अलग ही है नॉर्मल, मतलब दूसरे से थोड़ा सा, मतलब इस वजह से ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये इसे दूसरे वर्जन से थोड़ा सा मतलब अलग करता है। मतलब हिंदी वर्जन और दूसरे वर्जन में थोड़ी सी डिफरेंसेस ज्यादा अब नजर आ रही हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सिमिलर ही है, बट अब काफी ज्यादा अलग अलग लग रहे हैं दोनों। मतलब दूसरा जो उन लोग जो साउथ में चल रहा है और जो हमारा हमें दिखाया जा रहा है, जो हमारे हिंदी टेलीविजन में चल रहा है, तो इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो फिर देखते हैं कि आगे मेकर्स क्या सोच रहे हैं और किस टाइप का ट्रैक लेके आने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सरोगेसी या फिर ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कोई ट्रैक लाएंगे, धारा का अपना बेबी होना चाहिए, और इस टाइप से अगर करेंगे तो ये थोड़ा सा और मूवीज टाइप का कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेकर्स इस टाइप का कुछ करेंगे, धारा का खुद का बेबी होना चाहिए, तभी जो उसके 10 साल के सेक्रीफाइस दिखाया गया है और जो तो फिर तो अगर ऐसा दिखाया जाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा अच्छा भी लगेगा, उनका खुद का बेबी होना चाहिए 10 साल के बाद भी, और बाकी लोगों के भी अपने अपने होने चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो देखते हैं मेकर्स क्या चाहते हैं और किस टाइप से उन लोग कहानी को मोड़ रहे हैं, ये तो अब वही जान सकते हैं। हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में क्योंकि हम कुछ भी कहेंगे तो होता उसका उल्टा ही है। सो दोस्तों, बस वेट करिए और देखते हैं कि अभी तो फिलहाल लेकिन आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि धारा को सभी लोग कोशिश यही करेंगे कि सभी लोग मिलकर उसे खुश करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि वो खुश हो जाए, उसको जो ये इतना बड़ा सदमा लगा है वो उससे बाहर आ जाए। देखते हैं कि धारा कब तक नॉर्मल होती है और सभी पंड्या परिवार जो है वो कब वापस से अपनी जो वो नॉर्मल लाइफ, जो एक हंसी खुशी वाली लाइफ थी, वो कब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें अब लगने वाला है बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि फिर से मतलब घर में अभी उदासी है और थोड़े टाइम तक तो यही सब चलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। और आप लोगों को क्या लगता है कि शिवा और रावी को क्या करना चाहिए? क्या वो अपना बच्चा देंगे, उसे पहला बच्चा, और उनके लिए बच्चा एक बच्चा करेंगे
करेंगे या फिर सरोगेसी या कुछ और प्लानिंग करेंगे जिसके थ्रू ये दोनों को मतलब एक बच्चा मिल सके या कुछ इस टाइप का कुछ भी। तो आपको क्या लगता है कि किस क्या उपाय निकालेंगे, तो देखते हैं, या फिर इनका खुद से ही मतलब इनका खुद का अपना बच्चा होगा या फिर इन लोग देंगे, आपको क्या लगता है? और आगे के ट्रैक में आप किस टाइप का देखना चाहते हैं, क्योंकि सबकी ओपिनियन भी बहुत मायने रखती है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।